हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रखंड नक्ष एग्जाम में। एक बार पुनः से मैं सागर ध्यानी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के पहुंचा हूं, जो कि आपके पशुधन प्रसार अधिकारी, उत्तराखंड फॉरेस्ट और कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का प्रवक्ता बायोलॉजी का पेपर, जो कि 2018 में आया हुआ था। तो इसके पार्ट फर्स्ट में हम जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने सॉल्व करेंगे, फिर तो इससे पार्ट बनेंगे, हम सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन पता आपको समय पर चलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड। निम्न में से कौन सा जुरासिक पीरियड, किसमें जुरासिक पीरियड संबंधित है, यानी कौन सी ईरा है जिसपे जुरासिक पीरियड संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक एंड पैलियोजोइक। तो आपका राइट आंसर होगा मीजोजोइक रा, यानी मध्यजीवी कल्प। नेक्स्ट है, पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरिपेटस किसके मध्य की कड़ी होती है, ठीक। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, एनलीड्स एंड एथ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकानोडोमेट्स एंड लास्ट इज एनलीड एंड प्रोटोजो। तो आपका राइट आंसर होगा एनलीड्स एंड आर्थ्रोपोड के मध्य की कड़ी होती है। एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स लिब्रिन, जो पुरातन या जो घोड़े के क्या पूर्वज थे, वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड डी इंडिया। तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका, वो भी आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, लियोन इज फाउंड इन, लियोन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, इसका राइट आंसर है ओरिएंटल्स एंड इथोपियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि कह रहे हैं कि किसके द्वारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लिखी गई। तो ये आपका राइट आंसर होगा डार्विन के थ्रू, क्लियर, डार्विन के थ्रू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दी गई। नेक्स्ट है, एज ऑफ नो लाइफ इज कॉल्ड, वह एज जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, तो आपका वो कल्प कौन सा होगा, या वो काल है आपका एज़ोइक एरा। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो कौन है। देखिए, जीवन की जीवन नहीं बल्कि जाति की उत्पत्ति, देखिए ऑरिजिन ऑफ लाइफ होता, ध्यान दीजिए ऑरिजिन ऑफ लाइफ होता तो वहाँ पे आपके ओपेरिन थे, ए आई ओपेरिन, जबकि यहाँ पे है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज तो आपके डार्विन है, क्लियर। द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर इज नोन एज, बोला एनिमल बिहेवियर की स्टडी की जाती है, यानी कि मानव के व्यवहार की स्टडी किसमें की जाती है। ऑप्शन है जूलॉजी, एंटमोलॉजी, एथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो राइट आंसर इज एथोलॉजी। एथोलॉजी के अंतर्गत हम ह्यूमन बिहेवियर का या एनिमल बिहेवियर का की स्टडी करते हैं। इन लैटिन फॉसिल्स मीन्स, लैटिन में फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, टू डिग, टू कीप, टू हाइड, टू थ्रो। इसका राइट आंसर है टू डिग, टू डिग का मतलब होता है खोदना, ठीक है ना, लैटिन वर्ड है। डाइवर्जेंट जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस में से डाइवर्जेंट जेनेटिक क्रॉस किससे संबंधित है। तो आपके पास है सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। द राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम आपका डाइवर्जेंट क्रॉस होता है, आप सभी जानते हैं। ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग इज, बताया जा रहा है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट है वो किस में होता है। तो आप ये डिजीज दी हुई आपकी स्किन कलर, फेनिल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड सिकल सेल एनीमिया। तो द राइट आंसर इज स्किन कलर, जो कि मेलानिन होता है, और रिस्पॉन्सिबल कौन सा अमीनो एसिड्स होता है, आई थिंक इसके लिए होता है स्किन कलर के लिए होगा आपके पास टायरोसिन, आई थिंक, मुझे लगता है गाइस, यदि आपको कोई और लगता है तो आप बता सकते हैं। आप यहाँ हिंदी में भी ले सकते हैं, इसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बालविनी रिंग्स अकर इन, बालविनी रिंग्स किस में बनते हैं, किस में पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स में, हेटरोसोम्स में, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में या लिम्प्रस क्रोमोसोम्स में। तो आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, और ये पहले ही बताया मैंने, ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर कंबाइनिंग टू डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर इन सिंगल प्लांट्स, कहने का मतलब है कि दो प्लांट्स को कंबाइन करके, ठीक है ना, यानी कि उसके डिजायरेबल जीन्स को किस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक सिंगल प्लांट में डालते हैं। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रैफ्टिंग, नियर ग्रैफ्टिंग, जो कि हम मेनली आम में देखा होगा आपने, मैंगो में की जाती है।
नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन कैरेटिनॉइड्स आर नोन एज, ठीक, ये कौन से प्रोटीन होते हैं, तो ये आपके हैं क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट आपके पास द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द होमोजाइगोसिटी एंड हेटरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, कहा जा रहा है कि जिसमें हम होमोजाइगोसिटी यानी विषम युग्मजी और सम युग्मजी दोनों क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, तो ये आपका होता है टेस्ट क्रॉस। आपको पता होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कि वो क्रॉस जिसमें क्या किया जाता है, पैतृक पीढ़ी का संकरण आ गया, पैतृक पीढ़ी का संकरण ये कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के साथ कराया जाता है, या प्रथम पीढ़ी का संकरण पैतृक पीढ़ी के प्रभावी लक्षणों के साथ करवाया जाता है। क्लियर। अनदर नेम ऑफ लाइगेज, लाइगेज का अनदर नेम क्या है, तो आपको पता होगा कि लाइगेज एंजाइम का यूज हम डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, ठीक है ना, तो लाइगेज क्या होता है, अदलाई का गम यूज होता है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट या ज्वाइनिंग का काम करता है, तो आपके ज्वाइनिंग एंजाइम भी से कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ, सेंट्रोमियर किसका कंस्टिट्यूट है, किससे संबंधित होता है, तो सेंट्रोमियर होगा दिया हुआ है राइबोसोम से, ER से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम से होता है। आपको पता होगा सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम चार टाइप के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ मेनली, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है मुख्यतः, तो सेल मेम्ब्रेन होगा आपका लिपोप्रोटीन का, लिपिड एंड प्रोटीन का। नेक्स्ट है व्हेन अ डिप्लोइड सेल्स इज ट्रीटेड विच कोल्चिसिन इट बिकम्स, देखिए जब कोल्चिसिन से डिप्लोइड सेल्स क्या की जाती है, ट्रीट की जाती है, तो क्या बनते हैं, तो आपके टेट्राप्लोइड सेल्स होंगे। ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स डिस्ट्रप्ट एन अल्फा हेलिक्स, इनमें से कौन सा अल्फा हेलिक्स प्रदर्शित करता है, तो आपका प्रोलीन अल्फा हेलिक्स इंडिकेट करता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस, इट शोज मे बी हाइपरबॉलिक कर्व। ठीक, ये आपका हाइपरबॉलिक कर्व क्या करता है, इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ हिंदी में फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन करेक्ट है, बोला लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन दियर लीव्स। ठीक। नेक्स्ट है लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन दियर रूट्स, तो आपका राइट आंसर होगा बी, लेग्यूम फिक्स करता है नाइट्रोजन को कहाँ, बैक्टीरिया के थ्रू रूट्स में। ठीक। एक बैक्टीरिया होता है लेग्यूम्स की जड़ों में जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है रूट में। मशरूम कल्टिवेशन कंसिस्ट ऑफ स्टेप, मशरूम के कल्टिवेट्स के लिए या कल्टिवेशन के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए पहला है कंपोजिटिंग यानी बिछाना, दूसरा है स्पैनिंग, ठीक है ना, तीसरा है केसिंग, और चौथा है आपका हार्वेस्टिंग, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है द जेनेटिकली इंजीनियर, ठीक, गोल्डन राइस सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट, देखिए गोल्डन राइस में वाइटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा, यदि वाइटामिन ए होता तो वो भी राइट होता, और यहाँ नेक्स्ट आपके पास बीटा कैरोटीन, तो आपका राइट आंसर होगा, जो गोल्डन राइस बना हुआ था उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल, बोला जो हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को प्लाज्मिड के साथ मिलाते हैं, प्लाज्मिड के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, किसकी मदद से हो पाता है वो, तो वो आपका होगा लाइगेज, बिकॉज लाइगेज किसका काम करता है, आपका जोड़ने का काम करता है, ध्यान दीजिए जोड़ने का, क्योंकि गम लाइगेज गम, ठीक, जहाँ पे पूछा जाएगा हाइड्रोजन का तो वहाँ पे हेलिकेज का नाम आएगा, नॉट लाइगेज। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इज रिडिफाइंड मेथड, देखिए जो क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, पादप ऊतक संवर्धन होता है, वो मुख्य रूप से क्या है आपका, तो वो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन कायिक प्रवर्धन, जिसमें हम रूट या स्टेम लीप का क्या लेते हैं पोर्शन लेते हैं और कल्चर मीडियम में क्या करते हैं उसे ग्रो करते हैं। द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा सर्वप्रथम प्रोड्यूस हार्मोन कौन सा था, जो कि बीटी यानी बायोटेक में बनाया गया था, तो वो था आपका इंसुलिन हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट है द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय, सबसे पहले जो जीन शब्द था उसकी उत्पत्ति वो किसने कहा था, तो आपके जॉनसन्स थे जिन्होंने उत्पत्ति की। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक्स ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू यूज ऑफ, किसके थ्रू, देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जैविक खेती होती है वो क्या टेक्निक है आपके, ग्रीन मैनर से, बायो फर्टिलाइजर से, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल से, ऑल ऑफ दी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी, सभी आपके बायोलॉजिकल हैं जैविक हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का पूरा नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा बी, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, ठीक है ना, कटवॉर्म, या हम कह सकते हैं ये आपका की एक कीड़ा होता है, बीटी आपके लिए उस कीड़े के लिए या उस कीट के लिए क्या होता है, क्राई प्रोटीन होता है, तो ये आप हिंदी में चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू जो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं किसके थ्रू होते हैं, ठीक। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एज यू नो दैट, सभी जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन मीन डीएनए से क्या होना, डीएनए के पैरेंटल जो आपके क्या होते हैं पैरेंटल स्ट्रैंड होते हैं उनसे उनसे नए डीएनए के स्ट्रैंड बनना, ठीक है ना, जो कि आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक, अर्ध संरक्षित हिंदी में कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा एंजाइम बोला इसे सेपरेट करने का काम करता है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, टोपोइसोमरेज, डीएनए हेलिकेज और गैरेज। इसमें आपका जो आएगा वो आएगा डीएनए हेलिकेज। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम आपका हेलिकेज करेगा और लाइगेज करेगा जोड़ने का काम, जबकि न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन करेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली अम्बेल इनफ्लोरेसेंस ऑकर, निम्न में से किस में छत्र पुष्पक्रम पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा एलिएसी, ठीक है ना, एपिएसी कुल में। नेक्स्ट है द कैरेक्टर्स ऑफ फ्रूट इस फैमिली एस्ट्रेसियाई, तो एस्ट्रेसियाई में कौन सा फ्रूट पाया जाता है, तो आपका है सिप्सेला, क्लियर, सिप्सेला राइट आंसर होगा। वर्टी सिलेस्टर इन्फ्लोरेंस इज ऑब्जर्वड इन, देखिए वर्टी सिलेस्टर या जो आपके कौन से होते हैं हिंदी में कहीं नहीं तो वृश्चिकाकार या जिसमें आगे पीछे होता है, ठीक, तो ये आपका ऑल ऑफ दीज होगा इसमें से, जैसे तुलसी में आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंस कैसे होता है वृश्चिकाकार टाइप का। बोला फैदरी स्टिग्मा अकॉर्सिन, जो फैदरी यानी ये पंखदार स्टिग्मा पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो वीट में पाए जाते हैं, गेहूं में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द डाइकोटिलीडेंस, डाइकोटिलीडेंस की लार्जेस्ट फैमिली आपकी एस्टेसियाई है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम फाउंड इन फाइलम, कैनाल सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम है मुख्य लक्षण। सिलियोना सिलेटा इज कॉमनली नोन एज, सिलियोना सिलेटा इज कॉमनली नोन एज बोरिंग स्पॉन्ज, क्लियर। नेक्स्ट है बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा स्कॉर्पियन में, ठीक। नेक्स्ट है बिच्छू में। नेक्स्ट आपके इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लाइफ अकर, निम्न में से किस में से सोशल लाइफ या सामाजिक जीवन होता है, तो आपका आइसोप्टेरा और हेमिनोप्टेरा दोनों में, बोथ ए एंड बी, क्लियर। एस के एलिमेंटीज आर सूडो सोलमेट्स, तो आपका सूडो सोलमेट्स होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोफियोना, तो जिम्नोफियोना का राइट आंसर गाइज, इसका राइट आंसर आपको खुद बताना है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको खुद कमेंट सेशन में देना है। नेक्स्ट है 43 का, देखिए स्पॉन्जिला आर फाउंड, तो स्पॉन्जिला कहाँ मिलते हैं आपके, स्पॉन्जिला मिलेंगे आपके फ्रेश वाटर में, क्लियर। द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूट ऑफ फंगल सेल, देखिए जो फंगस की जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है, बाहर सेल, तो वो होती है काइटिन की बनी हुई, ठीक। नेक्स्ट है एल्गी विच डू नॉट रिजेंबल विद आइदर ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी बट हैव सम कैरेक्टर्स ऑफ बोथ हैव बीन प्लेस अंडर द, देखिए एक साइनोफाइटा की बात कर रहे हैं और एक कर रहे हैं आपकी थैलोफाइटा की, यानी सहवाल और जो सहवाल होते हैं किस संबंध में बोला, दोनों के व्यवहार जिसमें सेम समान होते हैं, तो आपके प्रोक्लोरोफाइटा राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है द स्पोरोजोआ आर एक्सक्लूसिवली द स्पोरोजोअंस आर एक्सक्लूसिवली मरीन पैसिटिक्स प्रेडेटर्स और फिर लिविंग, जो स्पोरोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं इनमें से, तो आपको परजीवी होते हैं, आपको पता है वो पूर्ण तरह से परजीवी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरस, इनमें से कार्निवोरस में कौन से एनिमल्स बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है हेना हो गया आपका, डॉग हो गया और जैकाल हो गया, तीनों कार्निवोरस फैमिली में से बिलोंग करते हैं। इफ हेड ऑफ स्नैक इज कवर्ड विद शेल यानी नॉट स्केल एंड द वेंट्रल शेल कवर एंटायर बेली द स्नैक विल बी, स्नैक क्या होगा इसमें कह रहे हैं, तो स्नैक होगा आपका पॉइजनस यानी जहरीला स्नैक होगा ये। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स आर कॉल्ड, प्लांट फॉसिल्स यानी प्लांट जीवाश्म की स्टडी क्या कहलाएगी आपकी, फाइटोप्लैंटोलॉजी, ठीक, फाइटोप्लैंटोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट है जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म लेक्स, ठीक, यानी जिम्नोस्पर्म में जाइलम का कौन सा घटक नहीं पाया जाता है, ये ध्यान देना, कौन सा घटक नहीं पाया जाता है, तो आपके वेसल्स राइट आंसर होंगे, वेसल्स।
तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेशन में जाकर के लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको अदर वीडियोज़ देखनी है उत्तराखंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।